नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी लोग चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दिव्यांगजनों से रिलेटेड सभी तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर लगातार दी जाती हैं। देखिए, बात करते हैं हम आपके RRC ग्रुप डी का सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। देखिए, सेफ स्कोर आप सब लगभग 2 साल से 1 साल से लगातार कमेंट करते थे कि सर कट ऑफ बता दीजिए, अलग अलग कोई जयपुर की, कोई मुंबई की, कोई दिल्ली की, कि सर कट ऑफ बता दीजिए। देखिए, कट ऑफ कभी भी इस तरीके से निर्धारित नहीं की जाती। कट ऑफ डिपेंड करती है आपकी अटेंडेंस कितनी रही, डिपेंड करती है आपकी जोन के ऊपर, आपकी कैटेगरी के ऊपर, आपके और लेवल के ऊपर कि एग्ज़ाम किस लेवल का आ रहा है। ठीक है, तो देखिए, अभी जो है 2 दिन एग्ज़ाम हुए हैं, कल और आज एग्ज़ाम हुए हैं। उन एग्ज़ाम के आधार पर अगर हम बात करें तो दिव्यांग छात्रों को क्या करना चाहिए। ठीक है, कट ऑफ का अभी भी आइडिया नहीं लगा सकते, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितने भी हैंडीकैप PWD भाई बहन हैं, उनको क्या करना चाहिए, किस तरीके से एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए क्या स्टेप आपको लेना चाहिए। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ, जो ये सोच रहा है कि हम 90 अटैम्प्ट करकाएँ, हम 80 अटैम्प्ट करकाएँ और उनको आता हो 70 नंबर का, 65 नंबर का, 60 नंबर का, तो बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करें कि वो इतने ज़्यादा अटैम्प्ट करें। ज़्यादा अटैम्प्ट करोगे तो आपको पता है कि 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। 1/3 की वजह से आपके 3 क्वेश्चन गलत होते ही एकदम से आपका एक और क्वेश्चन हो जाएगा और एक एक नंबर की कीमत होती है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, एक्यूरेसी से बचिएगा। सबसे पहली बात तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि सॉरी, निगेटिव से बचिएगा। ठीक है, एक्यूरेसी करिएगा, आप एक्यूरेसी बनाए रखिएगा अपनी। जितनी ज़्यादा आप एक्यूरेट कर सकते हैं उतनी करने की कोशिश कीजिएगा, फालतू को आप छीड़िएगा मत। अगर आप एक्यूरेसी के साथ, तो जो मुंबई जोन का अभी चला हुआ है मैं उसकी कट ऑफ के बारे में बात करूँ, WR है मुंबई जो आपका है, या और जो भी मुंबई का है दूसरा जोन है, और जो भी एग्ज़ाम फ़िलहाल के टाइम पर चले हुए हैं 17 और 18 की शिफ्ट को देखते हुए, तो अगर आप एक दिव्यांग छात्र हैं और आप 50+ एक्यूरेसी के साथ इस पेपर में करके आए हैं, तो आपके चांसेस हैं आपको जो है इसमें जॉब मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी? क्योंकि वैकेंसीज़ काफ़ी अच्छी हैं, लोग इतनी वैकेंसीज़ हैं, 100-100 से ऊपर एक एक जोन में वैकेंसीज़ है, और हैंडीकैप को आपको पता होगा कि पूरे टोटल 100 वैकेंसीज़ पूरे ऑल इंडिया में नहीं आती एक फॉर्म के अंदर। कोई भी फॉर्म उठा करके देख लीजिएगा, 100 का आंकड़ा भी टच नहीं कर पाती वैकेंसीज़। MTS देख लीजिएगा, CGL देख लीजिएगा, बैंक देख लीजिएगा, या कोई भी वैकेंसी आप उठा करके देख लीजिएगा, 80, 85, 50, 30, 20, 40, 10, 15, कहीं कहीं तो 1-2 वैकेंसी, 3 वैकेंसी। तो इस वजह से वहाँ भी देखिए, इतनी वैकेंसीज, इतनी कम वैकेंसीज होने के बावजूद भी दिव्यांग छात्रों की कट ऑफ कहीं ना कहीं नीचे रहती है। और ये तो आपका इतनी ज़्यादा वैकेंसीज हैं एक एक जोन में कि आपकी भरमार वैकेंसीज हैं, और इसमें जो है थोड़ा सा इंग्लिश, जो लोग इंग्लिश से डरते हैं वो भी नहीं है, और लगातार आप 3 साल से प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, आपने इससे पहले NTPC के भी एग्ज़ाम दिए हैं, तो सेम आपका इतनी अच्छी तैयारी हो चुकी है। तो आप अगर इतने नंबर करके आते हैं, बिल्कुल आप जो है ज़्यादा गलत के चक्कर में मत पड़िएगा। एक्यूरेसी के साथ आप अगर 50 से 60 के बीच में भी करके आए हैं तो आपके पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, अगर 60+ हैं तो फिर आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है इस वाले एग्ज़ाम में जो आपने अभी दिया है, जिस जोन से आपने भर रखा है। आगे जैसे ही जोन के एग्ज़ाम होते रहेंगे, हम आपको लगातार बताते रहेंगे और किस तरीके से क्या करना है आपको। आपकी शिफ्ट पर डिपेंड करेगा, ये भी नहीं है कि सिर्फ आप 50 पर ही रुक जाओ। आपकी शिफ्ट अगर ईजी हुई, आपको क्वेश्चन आते हैं, तो आप 80-85 तक भी आप चले जाओ, ठीक है, लेकिन जाना आप एक्यूरेसी के साथ ही। जितने भी आपको आते हैं आप घबराइएगा मत कि उसने 80 कर दिए, 90 कर दिए। जब आप 80 और 90 करते हैं और बाद में जब आप बाहर निकलते हैं, तो 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके तुरंत निकलते ही एकदम गलत हो जाते हैं, और धीरे धीरे आपकी गलती होने, जब आप किसी वीडियो को देखते हो तो लगता है कि आपको ये भी गलती, और उस गलती की वजह से आपके इतने गलती हो जाते हैं कि कम से कम 10 नंबर के आपको निगेटिव मार्किंग होती है, और 10 नंबर की वजह से आप इतने पीछे के लग जाते हो कि कट ऑफ से 1-2 नंबर आपका कम रह जाता है। तो आप अपना एक्यूरेसी के साथ करिएगा, निगेटिव करने से बचिएगा, और अपने हिसाब से करिएगा, किसी की बातें सुन करके मत कीजिएगा। ठीक है, अगर आप फिलहाल जो जिस जोन से आपने फॉर्म भर रखा है, आपके 50 से 60 के बीच में भी मार्क्स आते हैं, और फिर उसमें आपको थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा, तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।